ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार के लिए सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जिसको लेकर बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस मन से हारी हुई पार्टी है। सचिन पायलट अपने राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी टिकट मिलने के बाद भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, लड़ना चाहता था लेकिन आला कमान के निर्देश का पालन कर रहा हूँ। कांग्रेस मन से हारी हुई पार्टी, ये वही सचिन पायलट है जो अपने राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने टिकट मिलने के बाद कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैं लड़ाना चाहता था लेकिन आला कमान का जो निर्देश हो। टीएस सिंहदेव जी भी लगातार चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि बस्तर में नामांकन प्रारंभ हो गया है और ये अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। मन से हारे हुए सचिन पायलट कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों का जोश या उत्साह वर्धन करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा।